आगामी 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે દરમિયાન યોજનાર G20ના શિખર સંમેલનની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. G20ના શિખર સંમેલન દરમિયાન સુરક્ષાને લઈને કોઈપણ પ્રકારની ચૂકને ટાળવા માટે સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તમામ સ્તરે કામ થઈ રહ્યું છે. તો સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે દેશના અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ સુરક્ષાકર્મીઓને દિલ્હીમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ સંવેદનશીલ વિસ્તારો પર ડ્રોનથી નજર રાખવામાં આવશે. दिल्ली में आगामी 9 અને 10 सप्टेम्बर रोज थनारा G20 शिखर सम्मेलन ने लईने तैयारियों ने आखरी ओप आपी देवामां आव्यो छे. सुरक्षा ने लईने दिल्ली ना उपराज्यपाल वीके सक्सेनाए जणाव्युं हतुं के दिल्ली पोलिस देशनी अन्य सुरक्षा एजेंसीओ साथे मळीने काम करी रही छे. बोर्डर हो चाहे इंटरनल पिकेट्स हो, पेट्रोलिंग हो, दिल्ली पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग हैं, इन सबको साथ में लेकर जो ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस हैं दिल्ली में या वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, कम्युनली सेंसिटिव इलाका है, तो इन तमाम एरियाज को हम कवर कर रहे हैं. G20 शिखर सम्मेलन दरमियान दिल्ली ना तमाम विस्तारों में सुरक्षा सुनिश्चित करवा माटे 1,30,000 सुरक्षा कर्मियों ने तैनात करवामां आवशे. सुरक्षा ने मजबूत बनावा माटे पोलिस द्वारा संवेदनशील विस्तारों पर ड्रोन थी नजर राखवामां आवशे. आकाश में कोईपण प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों UAV के ड्रोन पर नजर राखवामां आवशे. रोबस्ट एडिक्वेट प्रोफेशनल लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है मल्टी लेयर में और हम इसको बखूबी फेल प्रूफ और फ्लॉलेस तरीके से करेंगे और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं. आगामी 9 અને 10 सप्टेम्बर ना रोज G20 सम्मेलन दरमियान दिल्ली पर हवाई सुरक्षा की जवाबदारी संपूर्ण रीते वायुसेना ना सिरे हसे. आ माटे वायुसेना ने लगती तमाम एजेंसीओ समन्वय थी काम करशे. सुरक्षा माटे वायुसेना ना लड़ाकू विमान एलर्ट मोड पर रहेशे. आ सिवाय भारतीय वायुसेनाए नवी एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करवानी साथे साथे पोतानी एर वॉर्निंग सिस्टम राफेल सहित फाइटर एरक्राफ्ट ने एलर्ट मोड पर राख्या छे. 2 દિવસીય G20 શિખર સંમેલનમાં 20 સભ્ય દેશો સહિત 40 દેશોના નેતાઓ અને પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે. આ ઉપરાંત આ શિખર સંમેલનમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ, વિશ્વ બેંક, વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના વડાઓ પણ હાજર રહેશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, GST.